आईपीएल के 11वें सीजन में गेंदबाजों की बात करें तो यहां तेज गेंदबाजों का बोलबाला रहा। कई टीम के तेज गेंदबाजों ने अपनी टीम के लिए शानदार प्रदर्शन किया। विकेट लेने के मामले में भी सबसे टॉप पर एक तेज गेंदबाजी रहा। लेकिन इन सभी तेज गेंदबाजों में रफ्तार के सौदागरों ने खूब धमाल मचाया। आईपीएल में इस बार 150 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से बॉल फेंकी गई और चौंकाने वाली बात यह है कि सबसे तेज बॉल करने वालों की टॉप 5 लिस्ट में दो भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं। आपको दिखाते हैं 5 बॉल जो सबसे तेज फेंकी गई। राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने आईपीएल 2018 में सबसे तेज गेंद फेंकी और सबको पीछे छोड़ते हुए इस आईपीएल में रफ्तार के बादशाह बन गए। जोफ्रा ने सबसे तेज बॉल 152.39 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी। दूसरे नंबर पर सनराइजर्स हैदराबाद के बिली स्टेनलेग रहे। बिली ने 151.38 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बॉल फेंकी। वहीं तीसरे नंबर पर एक बार फिर जोफ्रा आर्चर ही रहे। जोफ्रा ने 150.82 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी बॉल की। इसके बाद चौथे नंबर पर रहे आरसीबी से खेलने वाले भारत के मोहम्मद सिराज। सिराज ने अपनी एक बॉल 149.94 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डाली। पांचवें नंबर पर भी एक भारतीय हीरा केकेआर के लिए खेलने वाले शिवम मावी ने 149.86 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बॉल की और सिराज से बस थोड़ा ही पीछे रहे। ये दोनों ही भारतीय तेज गेंदबाज अभी युवा हैं और अगर इनकी रफ्तार इसी तरह बनी रही तो ये विरोधियों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। वैसे आईपीएल के सीजन में तेज गेंदबाजों का ही बोलबाला रहा। विकेट लेने के मामले में जो टॉप 5 गेंदबाज रहे उनमें से 4 तेज गेंदबाज थे जबकि एक स्पिनर। 24 विकेट लेकर टॉप पर पंजाब के एंड्रयू टाई थे तो 21 विकेट के साथ हैदराबाद के राशिद खान दूसरे नंबर पर, हैदराबाद के सिद्धार्थ कौल 21 विकेट के साथ तीसरे नंबर पर, बेंगलोर के उमेश यादव 20 विकेट के साथ चौथे नंबर पर और दिल्ली के ट्रेंट बोल्ट 18 विकेट के साथ पांचवें नंबर पर रहे। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।